सो सॉरी, मैं आप लोगों को कढ़ाई की रेसिपी नहीं दे पाई। पैकिंग हो गई है, बैग पैक कर लिया है। बस हम लोग जा रहे हैं मम्मा के घर, और अबाया मैंने पहन लिया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी बन रहा है लंच। लंच में क्या बना रही हूँ, गोश्त देख कर तो पहचान ही गए होंगे, और नहीं पहचाने तो मैं बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ लैम्ब कढ़ाही, यानी दुम्बे की कढ़ाही। शनवारी चरसी कढ़ाही। तो मैंने ऑयल गरम करके उसमें सिर्फ गोश्त वॉश करके डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन, ताकि इसमें जो एक थोड़ी सी हीक होती है, थोड़ी सी स्मेल होती है गोश्त में, वो ख़त्म हो जाए। इसमें सिर्फ लहसुन का पानी डलता है, जैसे कुटा हुआ लहसुन कूट के फिर उसका पानी डालते हैं, लेकिन मेरे पास लहसुन नहीं है, पिसा हुआ है दोनों। तो मैंने 3 टेबल स्पून वो डाल दिया है। उसको अभी हम थोड़ी सी तेज़ आग पर भुनेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और फिर इस पर ये 1 किलो गोश्त है, इसमें 1.5 किलो पानी डालेंगे, यानी गोश्त से आधा पानी ज़्यादा, और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अभी पहले इसको भूने, ताकि इसमें जो हीक आती है एक अलग से, और तुम्बे के गोश्त में भी आती है और ऐसे ही बकरे के गोश्त में आती है। तो इसको अदरक लहसुन लहसुन का पानी डाल के भूनते हैं। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और अब इसको अच्छे से हम भून रहे हैं। और जब ये भून जाएगा फिर इसमें पानी डाल के इसको हम पकने रख देंगे। यहाँ पर मैं टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टमाटर फ्रीज हुए हुए रखे हुए थे, तो मैं वो बना रही हूँ। अदरवाइज़ टमाटर के बड़े बड़े पीस कट करके वो डाले जाते हैं, लेकिन मैं पेस्ट बना रही हूँ। देखें ऑयल अलग हो गया है, मतलब कि ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, और पानी में उसी में ही डाल रही हूँ जो मैंने टमाटर पीसे थे। ये देखें थोड़ा सा धुंधला लग रहा होगा पानी, और अभी हम इसको कम से कम 42-45 मिनट्स गला लेंगे। इतनी देर पकाएंगे ये गल जाएगा, 42-45 मिनट्स। फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, सो सॉरी, मैं आप लोगों को कढ़ाई की रेसिपी नहीं दे पाई, क्योंकि गेस्ट आ गए थे, और फिर मैं रेसिपी शूट नहीं कर पाई। तो बस जल्दी जल्दी कुकिंग करी मैंने, और कढ़ाई का हाल देख सकते हैं आप लोग कि कढ़ाई ये बची है। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो फिर मैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बनाऊंगी दम पोक, तो फिर उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने बनाई थी चरसी कढ़ाई दुम्बे की, तो मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ, गेस्ट अभी गए हैं। तो अब मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा कि मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई आज सालन की, कुछ भी नहीं बनाई, सॉरी माजरत। और इसके साथ मैंने बनाया था रायता, तो रायता तो खा लिया था, और कढ़ाई भी फिनिश हो गई है, बस इतनी ही बची है। बाकी ये है कि मौसम बहुत क्यूट हो रहा है, चलते हैं बाहर, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना क्यूट मौसम है ना, कि मैं तो बस दिल चाहता है यहीं खड़ी रहूं, फिदा हो जाती हूं मैं ऐसे मौसम पे। और फिर जो ये हवा चलती है, सुभान अल्लाह, इतनी ठंडी मज़ेदार हवा है, और मौसम बहुत हसीन है, बहुत ज़्यादा। अभी देखें सूरज जो है बादलों में छुपा हुआ है, बहुत प्यारा मौसम है। और इसी मौसम को देखते हुए हमने सोचा है कि कहीं जाया जाए, कहाँ जाया जाए। तो कितने गंदे नेल्स हो रहे ना यार, ये अर्क बहुत ख़राब
लोकल अर्क आ गया। तो मैंने सोचा कहीं चले जाते हैं, कहाँ जाएं, वेकेशंस भी हुई हैं, मम्मा के घर भी नहीं गई हूँ मैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो सोच रही हूँ चली जाऊँ मम्मा के घर, एक दो दिन होकर आ जाऊँ। और सोच और इसको मैं कह रही हूँ यहाँ ना मैं स्टिक लगा दूँ कोई ना इसके सपोर्ट के लिए, क्योंकि मुझे ये गिरता हुआ महसूस हो रहा है, और अगर बारिश हो गई तेज़ तो मेरे ये प्लांट तो बिल्कुल ही गिर जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है, पानी कैसा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये एसी का पानी है जो कि मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, प्लांट्स में डालती हूँ। ये पाइप पहले इस क्यारी के अंदर था, तो इस क्यारी को पानी की नीड नहीं है, तो इसलिए अब हम इसमें भर रहे हैं। यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप करके आता रहता है और हम भरते हैं। और ये देखें, ये भी यही पानी है। और इसको मैं भरने के बाद क्या करती हूँ, जो सीढ़ियों पर हमारे एलोवेरा के प्लांट्स रखे हैं मैं उसमें डाल देती हूँ। इस वाटर की वजह से आप लोगों को मेरी पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि इसका हाल ये वाला हुआ हुआ था। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल बस ख़त्म है। ये पता नहीं क्या है अभी, तो इसमें भी अभी मैंने यही पानी डालना स्टार्ट किया है, पहले मैं नहीं डाल रही थी। तो अभी आप देखना, कुछ दिन बाद दिखाऊंगी इंशाल्लाह इसकी कंडीशन भी आप लोगों को, ये कैसा येलो हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा हो गया है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा, इसके भी पत्ते ख़त्म हो गए थे, दोबारा से आने स्टार्ट हो गए। वो देखें छोटे छोटे सब आने स्टार्ट हो गए हैं, ये सारा अच्छा हो गया है। बस ये है थोड़ा सा अभी, ये यहाँ ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पूरा एक ही पौधा है और एक ही है, इसमें सिर्फ दो ही पौधे लगे और ये इनका छोटा था बेबी है। ये थोड़ा और बड़ा होगा, इसको निकाल लूँगी। तो मैं इसको ठीक कर रही थी कि इसको तो सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है स्टिक का भी, इसको क्या करा जाए। अच्छा इसको ना इसके साथ करके देखती हूँ, इसको घुमाती हूँ प्लांट को। बस मैं ये चाहती हूँ, मैं ना बिल्कुल अपने बच्चों के तरीके से पौधों से प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। अब ठीक है, अब ये ना गिरेगा नहीं, हवा भी तेज़ चलेगी ना तो ये हिलेगा पर गिरेगा नहीं। ये यहाँ से टेढ़ी टेढ़ी हुई ना, तो इसलिए ये गिर रहा है। और ये लगाना, ये आम का पौधा है लास्ट ईयर का, ये अगर इसे लगा भी दूँ तो क्या होगा इसका सपोर्ट, लगा देते हैं बाकी अल्लाह मालिक है। लगा तो दिया है मैंने, बस मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं पौधे, और मैं कहती हूँ कि बस मेरे घर में प्लांट्स ही प्लांट्स हो हर साइड पर। तो अपने तौर पे हमने कोशिश कर ली है, और बाकी ये एसी का पानी है, और इसको हम गमलों में डालते रहेंगे वक्तन फवक्तन जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं वेस्ट नहीं करती हूँ एसी के पानी को, ना यूज़ में लेती रहती हूँ। तो अब चलते हैं अंदर, हवा बहुत मज़े की चल रही है, एक दफ़ा और चलते हैं बाहर दिखाती हूँ। आप लोग देखो मज़ेदार हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ हवा का झोंका आता है। तो चले अब चलते हैं अंदर और पैकिंग करती हूँ थोड़ी बहुत। किचन तो मैंने कर लिया है नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जाने से पहले बिल्कुल क्लीन करके जाती हूँ मैं, ताकि हस्बैंड को परेशानी ना हो किसी भी चीज़ की, कुछ भी समेटने की करने की। तो फीडर भूल गई थी मैं, याद आ गया, अच्छा हुआ। तो इसको रखते हैं, अभी बैग में डालती हूँ इसको। और बस हस्बैंड के लिए सालन बना दिया है मैंने, तो वो खा लेंगे जब तक हम आएंगे, तो उनको खाना तो मिल ही जाएगा। और ये वाला ड्रेस पहना है मैंने तो अच्छा है, बेस्ट है। पैकिंग हो गई है, बैग पैक कर लिया है, बस थोड़ा सा शॉर्ट सा पतला दुबला सा बैग पैक हो गया है, और मैं पर्स भी पैक कर लिया, रेडी कर लिया है। और अभी नमाज़ पढ़ी थी तो असर की अजान हुई है, नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। अंशरा इधर देखें, अंशरा भी रेडी है, अशलीना भी रेडी है, और मोहम्मद अरहान भी रेडी हैं, तीनों बच्चे मेरे रेडी हैं। और अभी बस थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं। क्या देख रही हैं? ये वाइट तरह वाइट वाइट क्लिप कौन से हैं? सारे एक ही तरह के, ये वाले लगा लें, देख लें कौन सा लगाना है। ब्लू लगा लें, बल्कि ये लगा लें, ये वाले ब्लू छोड़ें, वो लगा लें, है ना।
चलो बच्चों ने चीज़ें ना ऐसे डाली हुई हैं, लाइमें लगा लो। हेयर तो बने हुए ना आपके। वीडियो अच्छे लगते हैं ना बालों में लगे हुए किल, जो छोटे वाले होते हैं ना बाल, उससे ना रुक जाते हैं। पोनी चेंज कर लें। आपने सलाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। हाय भी कर दें। भैया हमारे घर का छोटा सा मुन्ना है, काली सी मुन्नी है, छोटी सी, इधर से उधर उछलती खेलती रहती है, खेलती रहती है। नहीं मेरी, ओए ओए बेटा नहीं ऐसे नहीं करें, गिर जाएगी। कुल कायनात है ये मेरे घर की, और ये मेरे बच्चे हैं सारे। वैसे तो मेरे तीन हैं लेकिन अभी मेरे पांच बच्चे हैं, और ये पांच ही इंशाल्लाह मेरे ही रहेंगे, पांचों के पांच। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या हुआ? प्यार कर दें आनी के हैंड पे, प्यार कर दें आनी के हैंड पे, प्यार कर दें। चूड़ियाँ तो दिखा दें, छोटी छोटी सी बैंगल्स दिखाएं, बैंगल्स ये देखें भाई, मेरी बेटी की बैंगल्स देखें, मेरी शहजादी की बैंगल्स हैं, प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी। अच्छा डांस करके दिखा दें थोड़ा सा, जल्दी से डांस करके दिखाएं। करेंगे, आओ जंपिंग। जंपिंग करती है भैया शलीना के साथ ना, इसको जंपिंग में बड़ा मज़ा आता है। ये देखें उछलती रहती है, इसकी जंपिंग चलती रहती है। तो भाई अब जाते हैं मम्मा के घर, और अब से जो भी व्लॉग्स होंगे आपको वहीं के ही मिलेंगे, मम्मा के घर के। हम लोग जा रहे हैं मम्मा के घर, और अब आया मैंने पहन लिया है, बिल्कुल रेडी हूँ मैं एकदम, और बस निकल रहे हैं, बैग उठा रही हूँ, बच्चे जा चुके हैं, और बस मैं भी जा रही हूँ, निकलते हैं जल्दी जल्दी से, बाकी का व्लॉग जाके बनाएंगे मम्मा के घर।